शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लो, फ्लाइट और 3 घंटे लेट हो गई। कौन हो तुम बेटा? चिल्का सिंह। यहाँ पे कोई छिलका विलका सिंह नहीं, सिर्फ दीदी सिंह। मैं जावेद जी का बेटा हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी मुझे कहते हैं। वक्त ही सच है थोड़ा थोड़ा। मैं गाती हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज। थोड़ा थोड़ा गाना गाना गा, थोड़ा थोड़ा गाना गाना गा, थोड़ा थोड़ा गाना गाना गा, थोड़ा थोड़ा गाना गाना गा। क्या बात, जय हो। समझा? क्या? थोड़ा थोड़ा गाना गाना गा। थोड़ा थोड़ा गा। अच्छा छोड़, एक बात बताओ। क्या? तुझे ना रेडियो में गाना चाहिए। रेडियो में क्यों दीदी, रेडियो में क्यों? अरे क्योंकि उसमें रेडियो बंद करने का ऑप्शन रहता है ना। अच्छा जोक्स अपार्ट, देख बेटा, गाना जो है संगीत, ये एक विद्या है। तो विद्या का नाम मत लो प्लीज, विद्या का नाम मत लो। उसके साथ मैंने एक मूवी की थी विद्या के साथ, वो भी फ्लॉप हो गई। विद्या के बहुत साइड इफेक्ट, और वैसे भी शादी के बाद वो बहुत भारी हो गई। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे इस मोबाइल में कुछ MP3 सॉन्ग्स डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, मेमोरी कार्ड है ना? मेमोरी कार्ड नहीं, मेरे पास आधार कार्ड। बेटा एक बात बोलूं? हाँ। तू ना गाना छोड़ दे। क्यों छोड़ूं मैं दीदी? और दीदी आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, आप नहीं मदद करोगे तो कौन मेरी मदद करेगा प्लीज बताइए। अरे जावेद है ना। जावेद जी का तो नाम मत लो, जावेद में वो रस नहीं रहा। अरे इतना तो रस है, मुंह से टपक टपक के बात दिखता है। मैं वो वाले रस की बात नहीं कर रहा, अभी छोड़िए, थोड़े दिन पहले की बात। मैंने उनको बोला कि जावेद जी मुझे एक लड़की को प्रपोज करना है, कुछ रोमांटिक लिख दीजिए। तो उन्होंने ये लिखा, ये क्या लिखते हैं? मेरे दिल जिगर किडनी लिवर हो तुम, वक्त बेवक्त आया हुआ फीवर हो, डूब कर जिसमें मर जाऊं वो रिवर हो, मेरे जीवन में अब तो फॉर एवर हो। व्हाट नॉनसेंस। ऐसी शायरी बोलेगा तो लड़की तुझे छोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। वैसे बेटा एक बात बताऊं? जी। तू गाना छोड़ दे, लड़की अपने आप पड़ जाएगी। मैं गाना छोड़ दूं? मैं क्यों गाना छोड़ूं? क्यों जानना चाहता है? हाँ। एक मिनट दादा, माहौल बनाना। इतना गंदा गाते हो फिर भी जिंदा हो तुम, फटी हुई आवाज है फिर भी बिल्कुल नहीं शर्मिंदा हो तुम, घी वाले समोसे खाने वाले इकलौते नॉन सिंगर हो तुम। नॉन सिंगर? हाँ, जैसे नॉन सेंस वैसे नॉन सिंगर। वो तो मैं। हाँ। वैसे बेटा एक बात बताऊँ? हाँ। तुझसे इंस्पायर होके ना क्या? मैंने भी कुछ सोचा है। Really? हाँ, मतलब तू इतना मल्टी टैलेंटेड। हाँ, वो तो मैं। तो मैंने सोचा है कि मैं भी गाने के साथ साथ कॉमेडी करूँ। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीदी। मैंने कुछ जोक लिखे हैं, सुनाओ। हाँ, प्लीज। दादा माहौल बनाना। चीटी और हाथी। हाथी ने कहा चीटी से, मुझसे शादी करोगी? चीटी ने कहा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दांत बाहर है। फिर क्या हुआ? बस खत्म। अच्छा। इतना ही था। एक और है। एक बार हाथी और चीटी दोनों मंदिर में शादी करने जाते हैं। चीटी मंदिर में छुप जाती है, लेकिन हाथी उसे ढूंढ निकालता है। बताओ कैसे? कैसे? क्योंकि चींटी अपनी चप्पल बाहर छोड़ देती है। दीदी। एक और है। एक और है? सुनाइए। आने दो। नागस। कोरा कागज कोरा था, कोरा ही रह गया, चीनी सारी चींटी खा गई, बोरा ही रह गया। आप रोज सुनते हो ये सब? दीदी। हाँ? दीदी मुझे एक बात बताइए, आपके हर जोक चीटी को लेके क्यों? देख,
वो क्या है ना, मेरा और चीटी का बहुत गहरा नाता है। अच्छा। देख मेरी आवाज क्या है, मीठी। हाँ। और चीटी को क्या पसंद है, मीठा। बस वी आर वेरी गुड बडी। ओह नाइस। एक और सुनाओ। नहीं नहीं एक और, एक और। मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। अच्छा फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है क्या? नहीं टेक ऑफ नहीं, मैं डिपार्चर सेक्शन में जा रहा हूं। मैं एक्चुअली मूवी बना रहा हूं, डिपार्चर के साइड इफेक्ट्स। मैं चलता हूं, ठीक है, टेक केयर। नहीं चलता, थोड़ा संभाल लीजिए दादा। दादा एक जोक और सुनाओ। सुन, एक बार एक चींटी होती है और हाथी से कहती है कि हाथी चलो कहीं दूर पहाड़ी में चलो। हाथी कहता है कि भाई खबर है कि एक नया एक्टर उसने अपनी एल्बम निकाल दी। अरे क्या जमाना आ गया है, मतलब एक जमाना था जब भी सिंगर्स एक्टर के लिए प्लेबैक करते थे, आज एक्टर खुद ही सिंगर बन गया। कोई भी गा रहा है आजकल, इतना गंदा गंदा गाते हैं कि पूछो मत। लेकिन हाँ इंडस्ट्री में बस एक ही सिंगर है जो एक्टर भी है और गाता भी अच्छा है, वही सल्लू। अरे हाँ भाई बोलते हैं जिसको, बहुत अच्छा गाता है और सबकी मदद भी बहुत करता है। सल्लू बहुत अच्छा है, सल्लू बहुत प्यारा भी है, बहुत दिल से मैं उसे चाहती हूँ दुआ। अरे सल्लू तू यहाँ क्या कर रहे है, कैसा है? मैं ऐसा हूँ दुष्ट पुष्ट। वो तो दिख रहा है, लेकिन कैसा है तू? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं तो बस ऊपर जाने का इंतजार कर रही हूँ। चुप बोलो, चुप बोलो। नहीं नहीं ऊपर मतलब फ्लाइट, फ्लाइट का इंतजार कर रही हूँ। खाली बैठी थी तो सोचा रिडल सॉल्व कर लूँ। रिडल इंटरेस्टिंग, मैं हेल्प करूँ? बॉलीवुड में सबकी हेल्प करता हूँ। आप कहें मैं सूरज नहीं, इसमें मुझे चांद नजर आ रहा, चांद को भी लॉन्च कर देता, सबको लॉन्च करता हूँ। कुछ हेल्प करो आपकी, रिडल रिडल। लेट मी सॉल्व द रिडल। या तो ठीक है, एक पहेली पूछती हूँ। एक घर में, एक कमरे में तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड दोनों फंसे हैं और आग लग गई, तो तू किसे बचाएगा? ऑफ कोर्स मैं मेरी माँ को बचाऊंगा, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई ना कोई बचाने आ ही जाता है हर बार। अच्छा ये बता तू जा कर रहा है? मैं जा रहा हूँ शूटिंग करने। जोधपुर? वो वाली शूटिंग नहीं, पिक्चर वाली शूटिंग, ये वाली। अच्छा कब है शूटिंग? कब है पूछिए, कब थी? दो दिन पहले थी। तो अब क्यों जा रहा है? अब वहाँ पे जाऊंगा, दो चार पेंटिंग बनाऊंगा, थोड़ा पिकनिक पिकनिक टाइम पास करूंगा, वापस आ जाऊंगा। दैट इज भाई जान। कमिटमेंट करके ना, कमिटमेंट वाला रूल, क्योंकि एक बात जो आई क्या कमिटमेंट। हाँ वही वैसा कुछ, फिर तू किसी और की तो अंडरस्टूड। हाँ अरे बेटा ये फिल्म की कमिटमेंट भी बिटवे छोड़, मेरी मान तो शादी की कमिटमेंट कर, शादी कर ले अब तू। शादी वादी हमसे नहीं होती अब, मैं नहीं करना चाहता शादी, मैं बैचलर ही ठीक हूँ, शादी करके किसका फायदा हो, पता है किसका फायदा हो? आप अपने आप को क्यों नहीं देखती? अरे देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है, आपके पास संगीत है, मेरे पास संगीता थी, सिमिलैरिटीज। आप सिंगर है, मैं सिंगल हूँ, सिंग सिंग मैचेस। और वैसे भी दीदी फल खाने के लिए पूरा पेड़ लगाने की क्या जरूरत है, ईट द फ्रूट्स इन द मार्केट। अरे लेकिन तू 50 का हो गया है। फिर भी मैंने सॉलिड मेंटेन किया ना एकदम। हाँ मेरी तरह है ना? वैसे आप भी बहुत फिट है। हाँ। बहुत फिट है, आपको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि आप 105 इयर्स की हो। अरे 80 180 इयर्स की हो। फैंटास्टिक, आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं, क्या है आपकी? मैं मुझे भी आपके जैसी लंबी उम्र चाहिए। चाहिए? राज बताइए। शादी कर ले। अरे शादी करेगा तो लंबी जिंदगी की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी और जिंदगी बहुत लंबी लगने लगेगी। आप घूम फिर के मद्रास, केरला, कलकत्ता सब जाके शादी के टॉपिक पे आ जाती।
शादी करना बहुत जरूरी है, शादी एक वर्कशॉप है बेटा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आप। शादी एक वर्कशॉप जिसमें पति सिर्फ वर्क करता है और पत्नी सिर्फ शॉप करती है। तू कैसे कह सकता है? मैं कैसे कह सकता हूँ? तूने थोड़ी शादी की है। अरे मैं शादी नहीं की मैंने, बारात में नाचा तो हूँ ना मैं, दो दो बार नाचा हूँ, सोहेल अरबाज दो दो बार नाचा हूँ। और उन्होंने मुझे एक खास बात बताई कि पत्नी होती है ये तो माफिया से भी डेंजरस होती है, क्योंकि माफिया को एक तो आपकी जान चाहिए या फिर पैसे, लेकिन पत्नी को जान और पैसे दोनों चाहिए। कुछ भी मत बोल, कुछ भी बोल। डेंजरस, वेरी डेंजरस। इसलिए मेरा सिंपल फंडा है, मुझे पत्नी नहीं मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। पर बेटा मैंने सुना है कि लोग सुनती बहुत सुनाओ भी क्या गाना सुनाओ। अच्छा। क्यों चान मुझे लॉन्च करूंगा बजाता भी बहुत अच्छा है। हाँ। दे बेटा सुन दे। हाँ। अच्छा जो मैंने सुना है ना, लोग जो बातें करते हैं वो गा के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का काम है कहना। हाँ, और हमारा काम है गाना। तू जो लड़कियों से करता है प्यार, तू जो लड़कियों से करता है प्यार, उन्हें बनाता है गर्लफ्रेंड, उन्हें बनाता है गर्लफ्रेंड, लेकिन शादी नहीं करता, लेकिन शादी नहीं करता। रुक क्यों गया, बजाओ। चुप 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 चुप, चांद क्या कर रहा है? वही वाला बजाओ इनके टाइम जो बजा रहे थे। अब सेम लग रहा है। इज राइट इज राइट इज राइट। दीदी आपको पता नहीं है कि मैं किस किस से प्यार करता हूं, और प्यार करने वाले कभी भी किसी से कोई फिक्र नहीं करते। दीदी आपको नहीं पता, चांद बस कर, चांद बन कर, बन कर। दो बच्चों की माँ प्रेमी संग फरार, पति ने ली राहत की सांस। देखिए क्या जमाना आ गया है। मिजोरम में 45 लोगों की एक फैमिली। अरे वाह दादा, ये तो अपने आप में एक गांव हो गया नहीं? अरे हमें यहाँ पर ना शो करने के लिए जाना चाहिए, है ना? चलिए तैयारी करते हैं। सर दीजिए। चिंटू में ना आप थोड़ा सा ऐसा फिलर दे देना। चिंटू तिबक्तु अवस्ते तमक्तु तवक्ते। क्या लैटिन भाषा में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दीदी कैसी हो, कहाँ जा रही हो? ये भाषा लतीनो है। तिबक्तु ठीक है, लतीनो हो या कोई और भाषा तो भाषा होती है जी। बिल्कुल। और वैसे बताऊँ कोई भी भाषा हो ना बहुत फनी होती है। जैसे इंग्लिश ले लो, अब अंग्रेजी में क्या है, मतलब आय का मतलब भी मैं और मी का मतलब भी मैं। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती फिर भी आपको बोलनी है तो उनके सामने बोले जिनको नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो जापान जाके अंग्रेजी बोलिए, उन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, आप जो कहोगे उनको नहीं समझेगा। इसीलिए मैं शायरी हमेशा उर्दू में लिखता हूँ। ये देखिए देखिए पढ़िए। अरे ठीक है ठीक है, मुझे नहीं देखना। मुझे चेस नहीं आती। आपको नहीं आती? नहीं। तो जरूर खेलते, मैं जरूर जीतूंगा। नहीं खेलनी है चेस। तो एक काम करते, मेरी डायरी पढ़ लीजिए। मुझे नहीं पढ़नी है। आप पढ़ लीजिए प्लीज। 10 बनियान 4 पजामे। अरे ये तो कन्नड़ा में लिखा है, मुझे कन्नड़ा आती है। अरे लगता है गलती से मैं मेरी धोबी की डायरी दे।
एक्चुअली मुझे लिखने का इतना शौक है, मैं जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे लिख देता। अरे आपको यकीन नहीं होता तो इसको वॉशरूम जाके देख लीजिए एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी मैंने अपने ये पेन चलाया हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। वैसे आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? मैं अरे ऐसे ही बैठी हूँ, फ्लाइट का इंतजार कर रही हूँ, अखबार पढ़ रही थी। अरे देखिए इसमें पता है क्या लिखा है, मिजोरम के गांव में 45 लोगों का एक परिवार है। हाँ। ये तो अपने आप में एक प्रोडक्शन हाउस है। अरे आप तो बोलेंगे ही पर्सनल एक्सपीरियंस जो है। नहीं मतलब आप लिखते हैं, आपकी वाइफ एक्टिंग करती है, आपकी बेटी डायरेक्टर है, और बाकी के सारे लीगल काम तो आपका बेटा कर लेता है। बेटे से बहुत दुखी है हम। वैसे ये मिजोरम की फैमिली जैसा हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या करें हम ये कमबख्त राइटिंग में बिजी हो गए, और जब अब वक्त है तो उम्र निकल गई। अब वक्त मतलब अब आप बिजी नहीं रहते क्या? नहीं नहीं रहता हूँ बेटा, नहीं रहता हूँ तो नहीं रहता हूँ। बात भी सही है, पहले कितनी फिल्में बनती थी, उसमें आधी फिल्म तक तो कहानी लिखनी भी होती होगी, और बाद में जाके लड़का लड़की हाथ पकड़ते थे। नहीं लेकिन आजकल की फिल्मों में तो पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पकड़ते हैं और लोग फिल्म में कहानी ढूंढते रह जाते हैं। सही कह रहे। एक बात बताता हूँ आपको, थोड़े दिन पहले मैं एक स्क्रिप्ट लेकर गया था इमरान भाशमी के पास। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इमरान मुझसे कहता कि जावेद साहब इंटरवल के बाद मुझे दूसरी हीरोइन चाहिए। अब मुझे बताइए वो हीरोइन है कच्चा छोड़ेगी कि हम चेंज कर देंगे? शब्द यहाँ मत आप इस्तेमाल करिए बस। This is a fact of life. हाँ लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें करना अलाउड नहीं है। अब जिस एयरलाइन से हम जा रहे हैं उस एयरलाइन का सीईओ खुद कच्चे में घूमते हैं और साथ में 12-12 हसीनाओं को लेकर घूमते हैं। अच्छा ठीक है, करता होगा वो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ मेरी बीवी के बर्थडे पार्टी में। अरे वाह, मानना पड़ेगा इस उम्र में भी बीवी के बर्थडे के लिए इतने एक्साइटेड। अरे वो बीवी के बर्थडे के लिए कौन एक्साइटेड, मैं तो वहाँ पे जाके समोसे और केक खाने के लिए एक्साइटेड। बहुत खराब बात है भाई, मतलब अपनी बीवी के बारे में कोई ऐसी बातें करता है? अरे भाई मैं अपनी बीवी के बारे में बात करूँगा, दूसरे की बीवी के बारे में थोड़ी बात करूँगा, मार थोड़ी खाएंगे मुझे। मतलब इतना तजुर्बा तो है मुझे, मैं इतना रिस्क नहीं उठा सकता। अच्छा अरे वैसे बीवी से याद आया, आपकी बहू उसका क्या हाल चाल है? बहू बहुत बढ़िया है, मस्त, बहुत अच्छी। लेकिन मेरा बेटा सिंगल हो गया। ये सिंगल ना, अगर आपके नजर में कोई कोई लड़की हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए। लड़की सुना है आपकी पोती? उसका हाथ हमें दे दीजिए। अरे हाँ मतलब मेरे बेटे को हाथ दे दूंगी तो बाकी का बॉडी पार्ट हम क्या करेंगे? मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। वैसे आपका लड़का मतलब उसका खुद का घर बार है? घर का क्या है, चादर ले ली हो गया घर। ऐसे कैसे? ऐसे मतलब चादर ले ली क्या, बाहर सड़क पे सोएगा अगर बारिश आ गई तो गीला हो जाएगा, पीठ के बल सो जाएगा। बस ख्याल इतना रखना है कि ओले ना पड़ जाए, क्योंकि ओले पड़ जाए तो सड़क ब्लॉक हो जाती है। एवरीथिंग ब्लॉक। आप सर हमें पूछ रही है, आप बताइए बेटी का बाप क्या करता है? अरे उसके पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं इस दुनिया में मतलब नासा में है। ओह तो मैं समझू रिश्ता पक्का? संकोच में नजर आ रही है, क्या कमी है आपकी है बेटी में? हमारी बेटी में कोई कमी नहीं तो है। हमारे बेटे में कमी है? हमारा बेटा चलेगा ना? अरे वो फिल्मों में नहीं चलता तो मेरे बेटे के साथ क्या चलेगा? तो मैं समझू कि रिश्ता कैंसिल? हाँ बिल्कुल कैंसिल। मुबारक हो, मुबारक हो, रिश्ता कैंसिल हो गया। एक सेकंड, अरे मैंने मिठाई रखी थी खा लिया क्या? ये इसमें डाल दिया। एक सेकंड, मुबारक हो, मुबारक हो, ये लीजिए मिठाई रिश्ता कैंसिल होने की। और इस मिठाई के बहुत फायदे हैं, आप इसे कपड़े में डाल के अलमारी में रखेंगे ना तो कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। ये कैसे कह दिया आपने? अरे क्योंकि सारे कीड़े तो मिठाई को लग जाएंगे ना।